मेरा नाम है मिर्जा और ये हैं बिनीश और मैं हूँ बिनीश नाम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है हमें कमेंट्स में बताएं कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर लाजमन क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी अपडेट्स आप तक पहुँच सके। आपका रट्टा बहुत पक्का है। ये मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बोलती हूँ, व्यूअर्स के लिए बोलती हूँ ताकि वो लोग करें सब्सक्राइब। ये आपकी मोहब्बत है लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या देख रहे हैं आज? आज हम देखेंगे कैरी मिनाटी। तो कैसे हैं आप लोग? ये कैसा वक्त चल रहा है जहाँ फूल खिल रहे हैं, बगीचे बिक रहे हैं, शादी का सीजन चल रहा है। सबसे पहले आते हैं दीप वीर, वीर दीप, रणदीप, दीपिका रणवीर। उसके बाद आते हैं प्रियंका और निक। और ये बात मैं साफ कह सकता हूँ कि अंग्रेजों को घोड़ी चढ़ते देख लोगों के दिल अभी तक नहीं भरे। खैर, इनके बाद बारी आ चुकी है लौड़ा और लसन की। मुझे वो चाबी मिल गई है। तो राखी सावन, क्या तुम उसे शादा करोगी? और फिर कल ही मुझे इस वकांडा के पंछी का मैसेज आया, आई एम मारिंग विद राखी सावंत बर्थर, यू आर मोस्ट वेलकम बर्थर गुलाबी दिल। पहले तो मुझे लगा ये मेरे लिए तो नहीं किया इसने, लेकिन फिर मैं इस फैसले पे आया कि चूतिया लोगों का काम है चूतिया हरकतें करना, इसके बीच में मैं कहां से आ गया। तो इसलिए आओ यार, अपने कान में चुभने वाले ईयरफोन्स डाल लो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हम एक डॉल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। डॉल जो सिलिकॉन जैसे तैमूर तैमूर है वैसा। Definitely. और wow. डॉल का नाम होगा राखी सावंत। wow. क्योंकि दुनिया में ये जो बलात्कार बढ़ रहे हैं, तो राखी सावंत डॉल जो होगी वो एक सॉफ्ट सिलिकॉन डॉल होगी। तो जो यंग लड़के जो है वो हॉनी है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको ऑर्गेज्म मिलने के बाद पूरे समाज में कभी ये गलत काम नहीं होगा। ओ सार्वजनिक लोड़ू, कोई अपनी बीवी के सेक्स डॉल बनवाता है? ये इतना हरामी है कि पाताल जाके भी शैतान को अपनी गांड चमकाता फिरेगा। वो भी बोलेगा भोसड़ी के मैं शैतान हूँ, हैवान नहीं, कुछ भी नहीं चोतता मैं। मेरे जो इंटेंशन जो है वो आज लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हजार साल बाद लोग कहेंगे कि बच्चों ये थे इतिहास के सबसे बड़े गांडू जिन्होंने पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। पहले तो उनकी बीवी ने कहा बहन चोद ये पति है पतीला है, लेकिन आज देखो बकरे मुंह से हटते हैं, कुत्ते दो पैरों पे चलते हैं और हम चार। मेरे जो वीडियोस थे वो देखकर राखी काफी इंप्रेस हो गई, क्योंकि मेरे वीडियो जो है वो मर्दांगी से भरपूर थे। मैं दिखाता हूँ कैसा मर्द है ये। अगर तुम्हें ये किसी भी आकार से मर्द लगता है ना, तो अपनी पास वाली बिल्डिंग से छलांग लगा लो। इसकी अपनी ही एक दुनिया है जहाँ ये और सारे टिकटॉक वाले रहते हैं। सेक्स जो परिभाषा होती है वो बहुत पवित्र परिभाषा होती है। आप खजुराहों की मूर्तियां देख लो, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि कुंडी लगाओ और कुछ भी करो, उसमें आप तरह तरह की चीजें यूज कर सकते मतलब हैं। आप बहुत चीजें इस्तेमाल करता है, जैसे कि हरियाणवी लठ, शाकालाका बुम बुम वाली पेंसिल, शक्तिमान की घूमती हुई उंगली, चाची की चांदनी चमची और मीठे में गन्ने का डंडा तो चाहिए ही चाहिए। हमारी ये जो शादी जो है तो इसका बजट हमने 70 करोड़ रखा हुआ है। तो जितने भी बाराती वहाँ पे आएंगे उनको हम आईफोन 12 प्लस गिफ्ट करने वाले हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे इस पे 70 करोड़ कहाँ से आए? देखो ये वही आविष्कार है जिसकी राहुल गांधी जी बात कर रहे थे, पीछे से आलू डालो आगे से सोना निकलेगा और एक जबरदस्त आवाज भी आती है पाक। रही बात आईफोन 12 की, उस फोन में अगर तुम एक दबाओगे तो और अगर दो दबाओगे तो और अगर तीन दबाओगे तो राजा मियां छोड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क पे मारी। हम कहां शादी कर रहे हैं? हम लोग लॉस एंजलिस में मलिबू बीच में, मेरे घर पे मेरा विला है वहां पे। पहले तो उसे पकड़ो जिसने इसे अमेरिका घुसने दिया। और ये मलिबू बीच क्या होता है, हर चीज में मल घुसेड़ना है इसे। वहां दो बच्चे रेत का किला बना रहे थे, उस पे मूत के कह रहा है अब ये मेरा घर है, भोसड़ी के ना कागजात और बनवा लिए। और हमारी शादी में शाहरुख, सलमान, आमिर, सैफ, करीना, तैमूर और जॉन सीन और मियां खलीफा खलीफा भी आ रहे हैं। ये कौन है? भेंचो मियां खलीफा तेरी फूफी की लड़की है जो तेरी शादी पे आएगी। और जॉन सीना तो वैसे ही नहीं दिखता, इसके साथ ना 24 घंटे एक साबू जैसा बंदा होना चाहिए, जब ये बकचोदी करे तब हंटर चटका दे। और आज आप देख रहे हैं कि आज जो मैंने साड़ी पहनी है ये मुझे मैकडोनाल्ड ट्रंप जी ने गिफ्ट करी है।
मैकडोनल्ड ट्रंप बोल तो ऐसे रही है जैसे नोएडा के बस अड्डों पे दो दिन पुराने बर्गर बेचता हो, क्योंकि अमेरिका तो ये चांदनी चूचा चला रहा है। और मैंने ये पहनी है, मैं धन्यवाद कहती हूँ कि आपने मुझे चार्टर्ड प्लेन दिया है चार के सारे सेलिब्रिटीज आ सके। और एक मिनट, ये मैं खड़ियों की बात क्यों कर रही हूँ? कुछ होश ही नहीं है, खड़ी है बैठी है, बस कपूर की गोली सुनकर आ गई बकचोदी करने। ये इतने नशे में अपनी आंखें तक नहीं दिखा रही है, हवा में उड़ते चार कौए से चार्टर प्लेन लग रहे हैं, और साइड में बैठा दीपक भी माइक टाइसन लग रहा होगा। और आप जानकर भौचक्का रह जाओगे, हक्का बक्का रह जाओगे, झुंझला जाओगे, बौखला जाओगे, क्योंकि ये शादी टोटली न्यूड होने वाली है, और ये डिसीजन हमने लिया है ग्लोबल वार्मिंग के तहत। ये कहा कि मैथ्स है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तू नंगी शादी करेगा, ये तो पाई वाली बात होगी। कल से मैं सिर्फ चावल खाऊंगा ताकि जियो पॉन पे लगा बैन हटा दे। और हमारी सुहागरात लाइव होगी और उसमें सबको आना है। लाइव सुहागरात हमारी होगी, उसमें सबको आना है। सबको क्यों आना है? सबको आना है। ये पहली ऐसी शादी होगी जहां बाराती सुहागरात में भी शामिल हो रहे हैं, और सबको पहले ही बोल दिया गया अपने झाटे काट के आना, क्योंकि दीपक सर उनमें खो जाते हैं। मैंने वर्जिनिटी टेस्ट करवाई आगे से, इसने कहा कि आगे की मुझे गारंटी है, सबसे पहले आप पीछे की करवाओ, और उसके बाद में दबाव में मैंने पीछे की। मैं भी थोड़ा शासन था, लेकिन सरप्राइजिंगली वो टेस्ट में मैं पास हो गया, घंटा पास हो गया। आगे तो चलो ठीक है, कुछ नहीं है, पीछे तो काली घाट की गुफा निकली तुम्हारी। अगर तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो काली घाटी कैसी होती है, इन हरकतों से पता चलता है ये परमाणु चूतिया कभी नहीं सुधरेंगे। अब अगर तुम लोगों को आज का दंड पसंद आया तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर पति फेंक के मारो या फिर पतीला, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मेरी मलिबू बीच की फ्लाइट है। घड़ी तो पहनी नहीं रखी। सबसे बुरा यही लगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को। अपनी शादी बात करेंगे, क्योंकि ये हमेशा से हर दफा यही कहती रही। मैंने सोचा मैं जल्दी कर दूँ इस काम के लिए, इस बात को बोलने के लिए, लेकिन मैं फेल रहा हूँ। जो इसका काम उसी को सांचे। हम लोगों ने बहुत एंजॉय की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा था मुझे? हाँ। ये जो बोल रहे थे इन्होंने, जो बोला सबसे अच्छा ये था, इनके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है। नहीं वो इतने मतलब कैसे, अगर आप करें तो आप कैसे इस करेक्टर को प्ले करेंगे? कैरी मिनाटी मैं क्यों बनूं? नहीं ये नहीं बने आप, ये तो बनने का मैं बोल ही थी मैं, जो दूसरे करेक्टर थे जिनका स्टेज बनने वाला था। मैं तो भाई आप लोगों के लिए जो है ना प्ले करवा देती हूँ, ताकि मैं भी हंसूं आप लोग भी हंसें। इसी तरह हंसते रहिए, कमेंट्स में हमें बताते रहिए आपको क्या देखना है। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। हम दोनों को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।